पूछा था कि सर प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो है सिंगापुर में वो कौन कौन सी चाहती हैं, तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे अभी। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि सर जो तीन सेक्टर्स हैं जो पायलट प्रोग्राम के अंदर है, उसमें जो प्रोसेस इंडस्ट्री है तो कौन कौन सी सेक्टर्स आते हैं। अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडस्ट्री एंड सेक्टर्स में अंतर होता है। अभी सेक्टर्स और इंडस्ट्री, ये जो सारी डिटेल्स है मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, आप पूरा देखना, ठीक है। मैं अभी काम की तरफ भी जा रहा था, थोड़ा रोड का भी सीन दिखा देता हूँ। आज है सनी डे, ठीक है, तो और आई होप सो एवरीथिंग इज शुड बी ओके। और इतना ही प्यार बनाए रखो मेरी वीडियो को, अगर इसी तरह से आप कह बनाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। से निकला है, 12:15 का टाइम हो रहा है, और जो आप रहते हो, मैं रहता हूँ, आप पूछ लेते ना, ये रहा लेक साइड टावर, ठीक है, ये रही मेरी हाउस की बिल्डिंग। तो भाई आज तो मौसम तो बहुत अच्छा है। मैं आपको ये समझा देता हूँ यार, इंडस्ट्री और सेक्टर्स में अंतर क्या होता है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, रिटेल इंडस्ट्री, ठीक है। तो रिटेल इंडस्ट्री मीन्स जहाँ पर आप छोटा मोटा सामान खरीद सकते हो। अब वो सामान कौन कौन सा होता है, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर भी सेक्टर्स बटे हुए हैं। अब सेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे रिटेल इंडस्ट्री के अंदर एक सेक्टर्स आता है, ग्रॉसरी का सेक्टर्स आता है, क्लोदिंग का सेक्टर्स आता है, मैन्युफैक्चरिंग बैग का, जो सेलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी आइटम्स का सेक्टर, तो ये सब रिटेल्स के अंदर आते हैं। तो रिटेल एक इंडस्ट्री हो गई, जैसे अपनी अब हिंदी में शुद्ध भाषा में बोला जाए तो खाने पीने की दुकान जिसे बोलते हैं, ग्रॉसरी स्टोर, राशन की दुकान जिसे बोलते हैं, कपड़ों की दुकान जिसे बोलते हैं, फैंसी स्टोर बोलते हैं, प्लास्टिक आइटम्स बोलते हैं जहाँ पर मिलता है। तो ये सेक्टर्स हैं और इंडस्ट्री का नाम है रिटेल इंडस्ट्री, आपको आप समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से पायलट प्रोग्राम के अंदर तीन इंडस्ट्री शामिल करी गई है, कंस्ट्रक्शन है, मैरीन है एंड प्रोसेस इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शंस में आप समझ लो कोई सा भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रिनोवेशन हो सकता है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अब कंस्ट्रक्शंस में वो आपकी कंपनी कौन सी है वो कैसी भी हो सकती है। अब दूसरा इसी तरह से मैरीन है, ऑयल रिगिंग है, शिप है उसके अंदर, तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री है। प्रोसेस का थोड़ा कन्फ्यूजिंग था कि आपको कि प्रोसेस इंडस्ट्री कौन कौन सी है। तो प्रोसेस में जो सेक्टर्स है ना, सबसे पहले प्लांट्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो बड़े बड़े पेट्रोलियम के प्लांट्स हैं ना, उसमें एक तो ये सेक्टर्स हो गया, दूसरा जो है पेट्रोकेमिकल, तीसरा जो है फार्मेटिकल्स, जो दवाइयों की कंपनी है। अभी देखो, अब ये तीन इंडस्ट्री ऐसी हो गई जिसमें सेक्टर्स मैंने बता दिया। तो प्रोसेस इंडस्ट्री के जो सेक्टर्स मैंने बता दिए, पेट्रो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम्स एंड फार्मेटिकल्स, तो ये कि जो पायलट प्रोग्राम के अंदर ये तीन इंडस्ट्री ने सिंगापुर ने अलाउ करा है। तो इस तीन इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आते हो वर्क परमिट के ऊपर, तो आपको कंपनी अलाउ करेगी ICA से अप्रूवल, आप आ सकते हो। अभी सिंगापुर गवर्नमेंट पायलट प्रोग्राम के अंदर, सो पायलट इज़ अ प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम के अंदर हाउस मेट को, जो घर में नैनीज का काम होता है, उसका भी सोच रही है। अभी गारंटी नहीं है, जब वो आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसी तरह से स्लोली स्लोली वो ओपन करेंगे सिंगापुर, तीन है। अब एक सवाल और था कि सर ड्राइविंग की जॉब किस इंडस्ट्री के आती है, पायलट प्रोग्राम। भाई देखो, ड्राइविंग की जॉब एक छोटा सा पार्ट है। अब ड्राइविंग किसी भी इंडस्ट्री में हो सकती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी आप ड्राइविंग कर सकते हो, रिटेल इंडस्ट्री में भी आप ड्राइविंग कर सकते हो। तो जो ड्राइविंग है ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, ड्राइविंग इज अ पार्ट ऑफ एज अ वर्क, ठीक है, मीन्स एक छोटा सा काम है जिस आप किसी भी इंडस्ट्री में कर रहे हो। सो ड्राइविंग एक कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जैसे टीचिंग लाइन है, अब टीचिंग लाइन एक एजुकेशन इंडस्ट्री का पार्ट है, कि मीन्स एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, उसमें सेल्स मैनेजर होता है, लाइब्रेरियन होता है, टीचर होता है, स्मॉल गार्डनर होता है, वॉचमैन होता है,
तो इसी तरह से एक पार्ट है, ठीक है। तो ड्राइविंग जॉब जो है वो किस इंडस्ट्री में है, वो ऐसा कुछ नहीं, एक काम है। जो पायलट प्रोग्राम जो इशू हुआ है वो तीन इंडस्ट्री, आई होप सो ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। सो आई होप सो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।